अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त, जिसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए लेना है 1 कप भर के चने की दाल, 1/2 कप लेना है 1/2 कप लाल मसूर की दाल, 1/2 कप लेना है 1/2 कप तुअर दाल लेना है यानी अरहर की दाल। 1/2 इन तीनों दालों को अच्छी तरह से धो लेना है। 3 से 4 पानी से धोने के बाद इसे डाल देना है कुकर में। अब इसमें डाल देना है 3 ग्लास पानी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1 तेज़पत्ता। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें कुकर में डालने के बाद कुकर ढक के इसे हमें पका लेना है। दाल को अच्छी तरह से गला लेना है। इसी बात ले लिया है मैंने 1 किलो गोश्त। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा फैट वाला गोश्त, यानी थोड़ी सी इसमें चर्बी थी। अच्छी तरह से इसे धो लेना है। उसके बाद एक बर्तन में यानी एक पतीली में गोश्त को डाल देना है। इसमें 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को लंबाई में कट कर लिया था, इसे भी डाल देना है। तो इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, तो दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच, बड़ी इलायची है, 4 से 5 हरी इलायची है, लौंग है, 1 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है और 2 तेज़पत्ता है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, 1/2 चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर हमने पहले भी यूज़ किया था। इसमें डाल देना है 2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालना है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाले थे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम फास्ट रखना है। बस मसालों को कुछ देर तक भूनना है, यानी 5 मिनट तक अच्छे से गैस का फ्लेम फास्ट करके इसे भूनना है। उसके बाद इसमें डाल देना है 1 ग्लास भर के पानी, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ढक के इसे स्लो फ्लेम पे हमें 40 मिनट तक पका लेना है, ताकि गोश्त अच्छी तरह से हमारे गल जाए। तो स्टार्टिंग में 5 मिनट गैस का फ्लेम फास्ट रखना है, उसके बाद स्लो कर देना है। तो 40 मिनट हो गए थे। इसके बाद इसमें डाल देना है 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। इसमें डालना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसमें डालना है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आप चाहे तो इमली का रस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर देना है इसे अच्छी तरह से। अब 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो दूसरी तरफ हमने जो दाल उबालने के लिए रखी थी, अच्छी तरह से वो पक गई है इस तरह से। तो मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब डाल देना है लौकी। लौकी को अच्छी तरह से कट करके धो लिया था मैंने, इसे डाल देना है। मिक्स कर देना है, गैस का फ्लेम स्लो करके 10 मिनट तक इसे पका लेना है, ताकि लौकी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, मसाले भी पक गए हैं अच्छी तरह से और लौकी भी अच्छी तरह से गल गई है। बहुत ज़्यादा लौकी को नहीं गलाना है, नहीं तो वो गोश्त में मिक्स हो जाएगी। अब इससे अच्छी तरह से गैस का फ्लेम फास्ट करके थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद इसमें डाल देना है दाल जो हमने उबाल के रखी थी, मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है मैंने, हाथों से मसल के अच्छी तरह से।
इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने डाल दिया है इस तरह से। ढक के इसे अच्छी तरह से एक उबाल आने तक पका लेना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो इसे रख देना है साइड में। मिक्स करने के बाद तो अब बारी आती है इसे तड़का देने की। तो तड़का पैन ले लिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है इसमें। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो आधी मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट करके डाल दिया था इसे। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें डाल देना है, अच्छी तरह से तड़का दे देना है, मिक्स कर देना है। ढक के इसे साइड में रख देना है। उसके बाद एक मसाला तैयार करना है। तो 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 4 हरी इलायची है, 4 लौंग है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच सौंफ है और 1/2 चम्मच काली मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को तवे पे हमें गैस का फ्लेम स्लो करके अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे अच्छी तरह से हमें इमाम दस्ते में, या फिर अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं है तो ग्लास में बेलन की मदद से आप कूट लें। इस तरह से दरदरा कूट लेना है। अब जो इसमें मोटा मोटा छिलका है इसे साइड में रख देना है, यानी फेंक देना है। तो इन मसालों को डाल देना है दाल गोश्त पे। आप इन मसालों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी दाल गोश्त बनाएं तो आप ऊपर से इन मसालों को डाल दें। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है इस तरह से। तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए दाल गोश्त। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।